हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी आप सबके प्यार के साथ। मैं बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ गाइस, आपको मेरे फेस से पता लग रहा होगा क्योंकि अभी कुछ नहीं करा है, सिर्फ मुंह धो के आई हूँ और ब्रश करके आई हूँ और कुछ नहीं करा है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से गुड मॉर्निंग विश कर दूँ। ये चल रहा है सुबह पाठ, लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि पाठ लगा लें, भगवान जी का नाम सुन लें साथ में। और मेरे चीकी बीकी भी उठ गए, देखो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, चीकी बीकी गुड मॉर्निंग बोलो। तो बस अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है सुबह की गाइस, और अभी काम कुम स्टार्ट करना है सारा का सारा। और पूरा दिन आज कैसे रहेगा, क्या रहेगा, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा स्पेशल भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, रौनक की छुट्टी है, वो अपना उठेगा, अपना नाश्ता पानी करेगा, तो बस यही काम होगा गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। आज मैं रोनू को देने वाली हूँ सरप्राइज पार्टी। मेरा मन है क्योंकि हमारे ऑफिस में पार्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों खाऊं, तो मैं रोनू के लिए भी कुछ लेके जाऊं। तो मैं लेने के लिए आई हूँ उससे, मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, अमृतसरी कुलचा कॉर्नर। तो वहाँ से मैं कुलचा वगैरह पैक करके लेके जाऊँगी रोनू के लिए, उसको मिलेगा सरप्राइज और वो हो जाएगा खुश। तो मैं आपको शॉप दिखाती हूँ गाइस, इस यहाँ पे कुलचे वगैरह बहुत अच्छी, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा यहाँ का है, आप एक बार जो ट्राई करना जो भी आसपास यहाँ रहते हैं। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, ये है अमृतसरी कुलचा कॉर्नर, और आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी। और मैं यहाँ पे इधर ही मतलब ऑफिस के आसपास ही हूँ, थोड़ी देर में निकलने वाली है, घर जाऊँगी टाइम पे और रोनू को दूंगी सरप्राइज। तो गाइस जस्ट अभी मैं ऑफिस से घर आई हूँ, क्योंकि आज से पार्टी किसकी थी, हमारे जो टीम लीडर हैं उनका बर्थडे एक्चुअली निकल के गया था जब नवरात्र थे, तब नवरात्रों में उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि हम पूरी टीम मिला के क्या करते हैं कि केक वगैरह लेकर आते हैं, वो करते हैं, तो वो कुछ नहीं करता है क्योंकि नवरात्रों में उनको नहीं करना था। तो उन्होंने बोला कि नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पार्टी दूंगा सबको, तो इस वजह से अब क्या था कि पार्टी वगैरह दी उन्होंने, और आज के दिन डिसाइडेड है। मैंने मैं मना कर दी थी कि नहीं मैं जाना है घर, तो कह रहे फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, दो चार लोगों को खा रहे हैं, दो चार लोग नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से तो गाइस इसमें क्या कहते हैं, ब्लॉग में कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो सब कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि जो बॉयज़ थे ना उनकी पार्टी कुछ अलग थी और जो गर्ल्स थी उनकी पार्टी कुछ अलग थी, तो इस वजह से सबको मिक्सअप में नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने किसी का भी नहीं बनाया। बस ऑफिस के बाहर थोड़ा सा आगे जाके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर करी पार्टी और खाया भी थोड़ा सा, और उन्होंने रौनक के लिए भी भिजवाया और कह रहे कि आप खाओगे तो आपका बच्चा भी तो है घर में, तो उन्होंने रौनक के लिए भी बर्थडे पार्टी भेजी है। रौनक मेरा है मेरे से गुस्सा, क्योंकि फोन पड़ा था बैग के अंदर और मैंने बैग में चाय बना के रखी थी। कोई बात नहीं, चाय तो ठीक है, बट मेरे को लगा था मैं घर, तेरा फोन आया था ना, तो मेरे को लगा था मैं आ जाऊंगी, मैं नहीं कर रही, तो उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं, तो इस करके फिर मैं आएगी, मुझे करना पड़ा, कोई बात नहीं। इसमें मैं उन्होंने भेजे मोमोज। तो गाइस मैंने आपको शॉप दिखाई थी कहाँ से ली है, अमृतसरी कुलचा कॉर्नर, और ये मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कहाँ पे ये शॉप, अरे खोलिए मैं बाप ही बेटो, आप देखते हैं विकासपुरी हमारे ऑफिस के बिल्कुल नियर बाई है। और कुलचा भेजा उन्होंने और साथ में ये मोमोज भेजे हैं, आप तो खोल के देख ले, कैंची से काटे हैं ना बच्चे, कोई ना कोई ना, हाँ कैंची दे दो आप, कैंची दे। तो सर की तरफ से होगी पार्टी, थैंक यू बोल दे, थैंक यू क्योंकि वो देखते हैं हमारा ब्लॉग, थैंक यू। तो रौनक के लिए आ गई है पार्टी, मोमोज पार्टी, कुरकुरे वाले मोमोज आई है, वहाँ पे खाए थे ना हम तिलक नगर चारी, हमने एक बार खाए थे हाँ, हम दोनों जब के अपनी बहुत ही बड़ा टिक्की है ये टिक्की, हाँ तो टेस्ट करके देख कैसा है, सॉस नहीं है, सॉस नहीं है इसके साथ, चलो कोई ना ऐसी खाएंगे, ऐसे खा के देख टेस्टी है, ठीक है। मम्मा आप मेरे को सुबह जल्दी क्यों उठा के गए थे, जल्दी उठा के गए मतलब, जल्दी उठा कर गए ना सुबह, उठा के नहीं गए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उठ जाएगा बाद में अपने आप से, रात को लेट सोया था, जल्दी उठ के क्या करेगा, छुट्टी तो है स्कूल की, उठ जाएगा, तो इस करके मैंने उठाया नहीं था, उठा देना चाहिए था, हाँ बहुत थक गई मैं, बहुत ज्यादा मेरा सर्दी हो रखी लगता है, वापिस हो गई, तो दही खा ले रात को, हाय यार मैंने नहीं खाया, दही खा ले रात को सही हो जाएगा, अच्छा ठीक खा लो, और क्या, अच्छा बना था जारी टेस्टी, यम्मी यम्मी, तो अभी कुलचा खा लियो, मैं भी दो चार बाइट लूंगी, मेरा पेट भरा हुआ है वैसे, ठीक है और तो सारा मैं कैसे खाऊंगा यार, खा लेंगे हम दोनों मिलके, मैंने भी मोमोज खाए इतने भारी थे वैसे, टेस्टी कितने थे ना, हां मस्त बने
जो अनहेल्थी होते हैं ना वो हमेशा टेस्टी होता है, जो भी चीज। एक बात तो है, अनहेल्दी ही चीज़ टेस्टी होती है, टेस्टी होती है। और जो हेल्थी होती है वही अच्छी नहीं लगती। हाँ, अब देख हम लोग बोले कि आए थे मल्टीग्रेन ब्रेड धक्के खा रहे हैं अभी अभी मैदे वाली ब्रेड दिखाई गाइस अभी तक खत्म हो चुकी है। बट हाँ मेरी बैली हमें दिख रहा ना हेल्थी है गाइस, इसलिए हमारा मन नहीं कर रहा छूने का। कल सुबह खाइयो। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे पास दूसरी ब्रेड पड़ती है मैदे वाली जो होती है नॉर्मल ब्रेड, तो मैं सुबह लेके चली गई थी वो, तो मैंने कहा खत्म करती हूँ, डेट उसकी खत्म होने वाली थी, आज का दिन था, तो मैंने बोला कि कल पे बात आ जाएगी। और मल्टीग्रेन ब्रेड पड़ी हुई है तो अभी उसको खत्म करेंगे सुबह। हाँ कर दूंगा ठीक है, थोड़ी तू खाएगी थोड़ी सी मैं खा लूंगी, खत्म करनी परसों की डेट खत्म हो जाएगी, मतलब कल लास्ट डेट। हाँ ठीक है, तो आप अभी वो खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, अभी आप कुलचा गर्म कर दो। हाँ कुलचा गर्म ही है बाबू, कुलचा क्या गर्म करना है, कर देना, कर देती देखती हूँ। तो गाइस मैंने लगा दी है आज ये वॉशिंग मशीन, जो कि मेरे कपड़े ढेर सारे हैं, ये पार्टी धो चुकी है, ये बेडशीट पड़ी है, अब ये पूरा खराब हुआ है, मैं आपको दिखा के कितने सारे कपड़े फूल रहे हैं, देखो पूरा भरा ही हुआ है ये, अभी सिर्फ डालना है इसमें। और कोको को देखना घूमती वाली कोकी, हाय जी मेरी कोको कोको, चलो चलो चले आ जाओ कम नहीं आना नहीं आएगी, सुन सुन बच्चा। हाँ ये जो कपड़े धुल रहे हैं इसके अंदर मेरी जो फेवरेट वाले वो पजामे वजामे है ना, फेवरेट वाले पजामे। हाँ वाले पजामे कौन से होते हैं, एक जो काले वाला है, एक काले वाला मिल नहीं रहा है, वो अलमारी में छुपा पड़ा होगा कहीं, आप छुपा के उसको निकालो खजाने को। खराब हो गया, अब निकाल देना यार, अब तो खुद से ढूंढ चल जा। यार मैं ऐसे नहीं ढूंढना चाह रहा, मैं क्या करूँ, और तू चीजें खराब करेगा ना। नहीं मैं नहीं ढूंढूंगा, माँ ढूंढेगी मेरी, माँ ढूंढी खराब करो, माँ ढूंढे नहीं, मैंने रंग से ढूंढा था लेकिन नहीं मिला इसलिए। अच्छा ये कितना टाइम लगेगा इसको धुलने में, अब धुलने में अभी टाइम ही आता है, इसके ऊपर कितना टाइम दिखा रहा है, 7 मिनट। हाँ तो 7 मिनट में धुल जाएंगे, इसके बाद एक बेडशीट भी है। वही सूखने में कितना टाइम लगेगा, सूखेंगे क्या, सुबह जल्दी तो सुबह ही है। अच्छा सुबह डालेंगे बैग तक सूख जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो गाइस बहुत जमाने बाद हम पी रहे हैं रात को चाय, गाइस रात को चाय, और वो इसका रीजन इसलिए मम्मी दिखा रहे रात ही हो रही है, वरना फिर शाम को सुबह के टाइम भी नहीं पता चलता कि हाँ दे रहा है कि नहीं, पता लग जाता है क्यों नहीं लगता, तो गाइस देखो मम्मी लेट आई है थोड़ा सा ठीक है, तो मम्मी और मैंने ढंग से चाय भी नहीं पी, तो खाना खा के हमने रात को ये पिए, अब देखो तो बहुत टाइम बाद पी रहे हैं। हमने आके नहीं पी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, और क्योंकि ऑफिस की तरफ से पार्टी मिली थी तो वहाँ से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, आज 8:30 मुझे हो गए थे, तो इस वजह से मैं घर पे लेट आई, तो चाय वाले को सीन नहीं था, तो आते ही थोड़ा सा खाना पीना करा, उसके बाद थोड़ा सा काम करा, कपड़े वॉश करे, ये चीजें करी, बर्तन तो रौनक ने धो दिए थे मैंने आने से पहले, और मैं यहाँ पे चक्कर लगाई जा रहा था मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी, मम्मी ने कॉल भी नहीं किया। तो मैं गाइस जब घर में आई थी रौनक था प्रॉपर पूरी तरीके से परेशान, क्योंकि जब इसने मुझे कॉल किया था 8:10 थे, नहीं हाँ 7:30 समथिंग, नहीं 7:45 समथिंग, हाँ इतने था, तो मैं इसको बोलती मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ जाने का प्रॉब्लम नहीं था पहले, मैंने मना कर रही थी, पर उन्होंने बोला नहीं गुरु मैम जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने फिर हाँ कर दी, तो इस वजह से मैं रौनक को नहीं इन्फॉर्म करी, मैंने इसको बोला 15-20 मिनट में आ रही हूँ मैं, वो 15-20 मिनट घंटा दो घंटा डेढ़ घंटा ऊपर हो गया था, इसको टेंशन, मम्मी ने बोला 15 मिनट में मैं आ रही हूँ, अभी तक आई नहीं हूँ, तो जैसे ही अंदर आई हूँ ऐसा मुँह तो ऐसी शक्ल बनी हुई थी इसकी, पूछो मत, तो अब क्या बोलती, क्योंकि मैं तो इसके लिए वैसे ही खाना वाना लेकर आई थी, फिर मोमोज देख के मैं शांत पहले मोमा को देख के शांत हुआ, फिर मोमो खाए, मम्मा फिर मोमो, हाँ तो इसको टेंशन होती है, ऐसी टेंशन में रहता है कि मम्मी आ जाए मम्मी आ जाए, ऐसे ऊपर ऊपर से बातें बातें करता है मेरे को, थोड़ा ऐसे ऐसे बोलता है, बट अंदर से बहुत ज्यादा ये केयर करता है मेरी, और सारे बच्चे ही करते हैं अपनी माँ, सारे बच्चे करते, तो मेरी वेट कर रहा था रौनक, तो सरप्राइज पार्टी मिल गई गाइस आज, तो क्योंकि पहले नहीं हो रहा था वो चीज़, क्योंकि नवरात्रि थे तो नहीं हो रहा था, बट मिल गई, और बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, और आप देख सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, सुबह काम करके गए ऑफिस में काम करा, फिर थोड़ा सा ये घूमना फिरना हो गया,
फिर इसके बाद थोड़ा सा घर का काम हो गया। अब शरीर ऐसे टूट रहा है कि पूछो मत, इसलिए टूटने से बचाने के बाद हमने सोचा चाय हो जाए, क्योंकि चाय की नीड फील हो रही थी बॉडी को, तो इस वजह से चाय हमारी बन गई है। तो गाइस और घूमना फिरना भी थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, बट मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ रौनक मेरे साथ हो, तो रौनक का साथ लेके जाए तो मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, अब ऑफिस वाले सारे के लिए क्या, तो मतलब कैसे जाते कैसे नहीं जाते, तो इस वजह से नहीं लेके जा पाई। क्योंकि अगर हाँ यहाँ से जाके वापस जाना था तो मैं डेफिनेटली रौनक को साथ लेके जाती, बट ऐसा नहीं था और क्योंकि वहीं से नहीं जाना था, तो इस वजह से। और मैं कोई ऐसी तैयारी भी नहीं करके गई थी, और देख लिया मेरे बाल बाल सब ऐसे सुबह से ऐसे हो रहे थे, सारे बिखरे हुए हैं, आए हुए थे नॉर्मल सूट, तो कोई पहले प्रोग्राम नहीं था, एकदम से प्रोग्राम बना, सरप्राइज हो गया, मजा आ गया। थोड़ा बहुत एंजॉय फ्रेंड्स के साथ घूमा फिर तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग का अंत हम ही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।